हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिनान एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इस वीडियो लेक्चर में हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद उसको एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे कि हम इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कैसे वोल्टेज या करंट किसी एक सर्किट में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती क्या है। सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मतलब यह है कि अगर कोई एक एलिमेंट जिसको हम लीनियर कह रहे हैं, वो एलिमेंट लीनियर तब होगा जब उस एलिमेंट में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप लीनियर हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे एक ये रेजिस्टर है, ओके? रेजिस्टर में अगर हमने इनपुट दिया करंट आई, सो एक वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टर के क्लॉस वी होगा जो कि आई इंटू आर के बराबर होगा। तो अगर आप इस वी और आई का ग्राफ बनाएंगे, सो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब ये है कि जो कॉज यहां पर इस रेजिस्टर में है वो है आई और इफेक्ट है V, मतलब कॉज इज इनपुट, इफेक्ट इज आउटपुट। और कॉज को हम एक्साइटेशन भी कह सकते हैं, इफेक्ट को आप रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर हम कहेंगे रेजिस्टेंस इज अ लीनियर एलिमेंट। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच एक रिलेशनशिप दे रहा है ये, जो कि एक लीनियर है। जब वोल्टेज और करंट का हम एक ग्राफ बनाएंगे तो हम एक ग्राफ देखेंगे जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो कि ओरिजिन से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि कॉज और इफेक्ट के बीच का रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए किसी भी एक एलिमेंट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है। नंबर वन इज होमोजेनिटी प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड वन इज एडिटिविटी प्रॉपर्टी। अब इन दोनों प्रॉपर्टी को हम वन बाई वन स्टडी करेंगे, वन बाई वन समझेंगे कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या होती है और एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब ये कहने का कि कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि लीनियर है वो ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या होता है और एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। इट रिक्वायर्स दैट इफ द इनपुट और एक्साइटेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कॉन्स्टेंट देन द आउटपुट और रिस्पॉन्स इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कॉन्स्टेंट। मतलब ये है कि अगर किसी एक सिस्टम या किसी एक एलिमेंट को हम लीनियर कह रहे हैं, अगर उसके इनपुट पे अगर किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो आउटपुट भी उसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। जैसे सपोज एक सिस्टम हमारे पास, इस पे इनपुट हम एक्स दे रहे हैं और आउटपुट हमें वाई मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हमने इस इनपुट को विच इज एक्स के से मल्टीप्लाई कर दिया तो आउटपुट भी हमारा के से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए अगर ये सिस्टम लीनियर है। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर किसी एक सिस्टम के इनपुट को के से मल्टीप्लाई करने पे आउटपुट भी के से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो वैसा सिस्टम लीनियर सिस्टम कहलाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पिछले केस में लिया है, ओम्स लॉ का। अगर हमारे पास करंट एज एन इनपुट है और वोल्टेज एज एन आउटपुट है तो वी इज इक्वल टू आई आर होगा एक रेजिस्टेंस में। अगर हम इस आई को मल्टीप्लाई कर दें के टाइम्स, विच इज इक्वल टू के टाइम के इंटू आई, तो जो हमारा आउटपुट है वी वो भी के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख रहे हैं के टाइम्स ऑफ वी हो गया। तब हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है कि ये लीनियर एलिमेंट है और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एडिटिविटी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। एडिटिविटी प्रॉपर्टी है, इट रिक्वायर्स दैट इफ द रिस्पॉन्स टू अ सम ऑफ इनपुट्स इज द सम ऑफ रिस्पॉन्सेज टू ईच इनपुट अप्लाइड सेपरेटली। मतलब कहने का कि अगर किसी एक सिस्टम या एलिमेंट को हम लीनियर कह रहे हैं और हम उसको दो अलग अलग इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट ले रहे हैं, तो अगर दो जो इनपुट पहले दिया मैंने उसको अगर कंबाइन करके दे तो आउटपुट भी पहले दो आउटपुट का सम होना चाहिए, तभी वो लीनियर एलिमेंट कहलाएगा या तभी हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। समझ लेते हैं इसको। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, इस पे हमने इनपुट दिया एक्स और आउटपुट मिला वाई। ठीक है, अब अगर हमने इस सिस्टम के इनपुट को एक्स वन दिया तो आउटपुट हमारे पास आ रहा वाई वन। इन द सिमिलर मैनर अगर हमने आउटपुट इनपुट एक्स टू दिया तो आउटपुट हमें मिल रहा है y2। अब अगर हम इस सिस्टम में इनपुट देंगे x1 plus x2
और ये सिस्टम अगर लीनियर होगा तो आउटपुट होना चाहिए y1 प्लस y2, क्योंकि x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट है y1 और x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है आउटपुट y2। तो जब इन दोनों को साथ में देंगे तो हमारा आउटपुट जो है ये इंडिविजुअल आउटपुट्स के सम के बराबर आना चाहिए, ठीक है, तभी हम ये बोलेंगे कि सिस्टम लीनियर है। चलिए इसको अगेन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हम समझ लेते हैं। अगर हमने इनपुट दिया I1 तो हमारे पास वोल्टेज मिल रहा है V1 विच इज इक्वल टू I1 इंटू R, क्लियर। अगर हमने करंट दिया I2 तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R। अब अगर हम करंट I1 प्लस I2 देंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो I1 प्लस I2 इंटू R आएगा। तो हम इसको अगर सेपरेट कर ले I1 इंटू R प्लस I2 इंटू R लिख सकते हैं, और हमें यहां से दिख रहा है कि I1 इंटू R बराबर V1 होता है और I2 इंटू R बराबर V2 होता है। तो इन दोनों की वैल्यू वहां पुट कर देंगे तो ये पता चला कि जो आउटपुट हम यहां V ले रहे हैं ये इंडिविजुअल दो इनपुट का इन दो आउटपुट्स का सम है, जब हम दोनों इनपुट एक साथ दे रहे हैं सम करके I1 और I2 को ऐड करके, तो दोनों इंडिविजुअल इनपुट्स का आउटपुट्स का सम मिल रहा है। तो हम कहेंगे नाउ दिस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, ठीक है। तो कोई भी एक सर्किट कब लीनियर होगा, जब वो एडिटिव होगा और होमोजीनियस होगा, दोनों प्रॉपर्टी को वो फॉलो कर रहा होगा। और वी कैन ऑल्सो से अ लीनियर सर्किट इज द वन हुज आउटपुट इज लीनियरली रिलेटेड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनपुट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए इनपुट के उसका आउटपुट। किसी भी एक एलिमेंट या सिस्टम या सर्किट में जिसको हम लीनियर कह रहे हैं उसका जो इनपुट है और आउटपुट उन दोनों का रिलेशनशिप में और उन दोनों का रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए। मीन्स अगर आप इनपुट और आउटपुट का ग्राफ ड्रॉ करें दैट हैज टू बी अ लीनियर ग्राफ, मीन्स अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो चलिए अब हम इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी को किस तरह से इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक लीनियर सर्किट है और ये एक रेजिस्टर है जिसमें हमें करंट निकालना है I, और ये करंट निकालना है जब हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज Vs है, ठीक। तो इनपुट हमारे पास ये है Vs और आउटपुट हमारे पास है करंट I। अगर ये सर्किट लीनियर है तो आपको ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Vs पे I की क्या वैल्यू होगी उसको हम गेस कर सकते हैं या वैल्यू बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर Vs 10 वोल्ट है और I 2 एम्पियर हो रहा है, मतलब 10 वोल्ट अगर हम Vs दें तो करंट 2 एम्पियर, मीन्स I की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर Vs की वैल्यू बढ़ा के हम 20 वोल्ट्स कर दें तो जरा आप बताइए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इनपुट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो आउटपुट भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 4 एम्पियर्स। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, अगर Vs की वैल्यू हमने 5 वोल्ट्स कर दिया तो आप देखिए इनपुट को क्या क्या मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 0.5 इज अ कांस्टेंट नंबर, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया है तो आउटपुट भी इसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 एम्पियर। अब एक और सवाल, अगर मैं कहूं I इज इक्वल टू 6 एम्पियर है तो बताइए Vs बराबर कितना होगा। अंडरस्टूड, I को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो Vs भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 30 वोल्ट्स, क्लियर। तो इस तरह से आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप कोई सी भी इनपुट की वैल्यू डाल के आउटपुट निकाल सकते हैं। तो जब हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम यही काम करेंगे कि जो आउटपुट और इनपुट है उसका रिलेशनशिप निकालेंगे कि किस तरह से लीनियर रिलेशनशिप है उनके बीच, मींस हाउ दिस I इज रिलेटेड टू Vs। फ्रॉम हियर यू कैन से I इज इक्वल टू Vs बाय 5, जो भी वैल्यू Vs की डालेंगे आप 5 से वो डिवाइड हो जाएगा। सो आप कह सकते हैं I इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ Vs, सो I इज प्रोपोर्शनल टू Vs। चलिए अब इस प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसमें V0 को आउटपुट लिया गया है और IS को एज एन इनपुट लिया गया है। अब कहा गया कि अगर IS की वैल्यू 30 एम्पियर होगी तो V0 कितनी है, कितना होगा बताइए, और IS की वैल्यू अगर 45 एम्पियर कर दिया गया तो V0 कितना होगा ये बताइए। मतलब सबसे पहले आपको ये करना है कि V0 और IS के बीच का जो रिलेशनशिप है वो निकालना है। चलिए निकालते हैं। इस करंट को आप कंसिडर कर लीजिए I1
और इस कंसीडर करंट को कंसीडर कर लीजिए आई टू। सो करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग आई वन आप निकाल सकते हैं, आई वन बराबर क्या होगा, 4 upon 4 plus 12 plus 8 मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट करंट आई एस, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका 1/6 इंटू आई एस, क्लियर। अब ये वी नॉट को आप लिख सकते हैं, ये करंट आई वन जा रहा है इधर से, सो वी नॉट विल बी इक्वल टू 8 into I1। वी नॉट वोल्टेज है 8 ओम के क्रॉस और 8 ओम से करंट जा रहा है I1, तो 8 into I1 ये वोल्टेज वी नॉट के बराबर हो जाएगा, तो 8 into I1। अब I1 की वैल्यू यहां डाल देंगे, I1 है 1/6 into IS, तो ये आ गया आपका 4/3 into IS, क्लियर। अब आपका वी नॉट और IS की वैल्यू निकल गई। अब आप बताइए कि जब IS 30 एम्पियर होगा तो वी नॉट कितना होगा, वी नॉट विल बी इक्वल टू 4/3 into 30, कितना हो जाएगा ये 40 volts। सिमिलरली अगर IS आपका 45 एम्पियर हुआ तो वी नॉट कितना हो जाएगा, 4/3 into 45, 60 volts, ठीक है। तो एक तरह के क्वेश्चन तो ऐसे आ सकते हैं आपको कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट पे आपका आउटपुट क्या होगा, ठीक। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहां पर देखिए वोल्टेज हमारा VS 12 वोल्ट होगा तो पूछ रहा आई नॉट क्या होगा। सिमिलरली अगर VS हमारा 24 वोल्ट होगा तो इस केस में भी आउटपुट आई नॉट क्या होगा। तो यहां पर इनपुट VS को कंसिडर किया गया है और आउटपुट आई नॉट को कंसिडर किया गया है। तो सबसे पहले आप VS और आई नॉट के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो हमारे पास मेश है, इनको आप मेश नंबर वन कंसिडर कर लीजिए, यहां पे करंट कंसिडर कर लीजिए आई वन और यहां पे करंट है आपका मेश करंट आई टू, ठीक है। अब हम केवीएल लगाते हैं लूप वन में और लूप टू में। तो लूप वन में सबसे पहले हम केवीएल लगाते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 6 I1 plus 2 I1 plus 4 I1 minus I2 प्लस VS इज इक्वल टू जीरो। तो जब आप ये इक्वेशन लिख लेंगे, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 12 I1 minus 4 I2 plus VS is equal to 0, इसको इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर लीजिए। सिमिलरली अगर लूप टू में आप ऐसे ही KVL लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ VS प्लस 4 I2 minus I1 plus 8 I2 plus 4 I2 minus 3 VX is equal to 0। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा 4 I1 plus 16 I2 minus VS minus 3 times of VX is equal to 0, इसको इक्वेशन नंबर टू कंसिडर कर लीजिए। एक और चीज आप देखें, VX यहां का वोल्टेज है इस 2 ओम के क्रॉस, सो VX को आप लिख सकते हैं, ऑल्सो वी कैन राइट VX is equal to 2 times of I1, क्योंकि इस 2 ओम के थ्रू करंट I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, जैसे आप VX की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -4 I1 plus 16 I2 minus VS minus 3 into 2 times of I1 is equal to 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट -10 I1 plus 16 I2 minus VS is equal to 0, इसको इक्वेशन नंबर थ्री कंसीडर कर लीजिए, ठीक। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को आप ऐड कर दें, इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को हम ऐड करने जा रहे हैं। जैसे आप ऐड करेंगे इन दो इक्वेशन को आपको मिलेगा 2 I1 plus 12 I2 is equal to 0। यहां से आप I1 और I2 का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, I1 is equal to -6 times of I2। सो I1 I2 की रिलेशनशिप आपको मिल गई, I1 is equal to -6 times of I2। अब ये वैल्यू जो है I1 की -6 I2, इसको इक्वेशन वन में आप पुट कर दें। जैसे इक्वेशन वन में पुट करेंगे आपको मिल जाएगा -76 I2 plus VS is equal to 0। तो यहां से आपको I2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ VS, विच इज इक्वल टू
I2 बराबर Vs अपॉन 76। अब देखिए ये I2 है करंट जो कि I0 के बराबर है। अब आप आराम से I0 की वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Vs निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास Vs इज इक्वल टू 12 वोल्ट हो जाए, Vs बराबर 12 वोल्ट हो जाए, सो I0 क्या होगा, I0 बराबर I2 होगा विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 76 एम्पियर। ठीक, सेकेंड केस में देख लेते हैं। अगर Vs इज इक्वल टू 24 वोल्ट हुआ, सो I0 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू I2 विच इज इक्वल टू 24 अपॉन 76 एम्पियर। ठीक है, तो आप ये एक तरह का प्रॉब्लम है जो कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे पूछा जाता है कि आपको इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप निकालना होगा और इनपुट के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको आउटपुट निकालना होगा। चलिए अब एक और तरह का प्रॉब्लम जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है वो इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको यहां पे आउटपुट है आई नॉट, इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर एन इनपुट 15 एम्पियर आईएस। बट यहां अप्रोच दूसरा है, क्या करना है कि आई नॉट को एज्यूम कर लेना है 1 एम्पियर, उसके बाद आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके आप बताइए कि अगर ये आई नॉट 1 एम्पियर हुआ तो आई एस कितना होगा। तो आपको एक रिलेशनशिप मिल जाएगा आई एस और आई नॉट में। तो अब आप आई एस को 15 एम्पियर करके बताइए आई नॉट कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो यहां पे आई नॉट की वैल्यू को 1 एम्पियर कंसीडर करना है सबसे पहले। ठीक, तो अगर आई नॉट 1 एम्पियर हुआ तो बताइए V1 कितना होगा। V1 इस ब्रांच के यहां से यहां तक जो ब्रांच है ये 5+3 8 ओम की, इसके क्रॉस ड्रॉप के बराबर होगा। सो वी कैन राइट V1 इज इक्वल टू I0 इंटू 8, क्योंकि यही I0 3 के थ्रू भी जा रहा होगा और 5 ओम के थ्रू भी जा रहा है। सो I0 की वैल्यू 1 लिया है मैंने, सो ये हो जाएगा 8 वोल्ट्स। ठीक है, और जैसे ही V1 आपका 8 वोल्ट्स आ गया वी कैन कैलकुलेट I1। सो बताइए I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी नाउ। सो I1 विल बी इक्वल टू V1 बाई 4। ओके, V1 है 8, सो ये हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। सो I0 1 एम्पियर है और I1 2 एम्पियर है। सो I2 क्या होगा, I1 प्लस I0। अगर इस नोड पे आप KCL लगाएंगे तो I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I0। KCL एंड नोडल एनालिसिस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके KCL और नोडल एनालिसिस को भी समझ सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर अगर आप KCL लगाएंगे इस नोड पे दैट विल बी इक्वल टू, KCL जब लगाएंगे तो I2 इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I0। सो वी कैन राइट I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I0। सो I1 की वैल्यू है 2 एम्पियर, I0 है 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर। जैसे ही आपको I2 मिल जाएगा आप V2 माइनस V1 को लिख सकते हैं I2 इंटू 2। सो वी कैन राइट V2 माइनस V1 इज इक्वल टू I2 इंटू 2। यहां से आप V2 निकाल सकते हैं, V2 बराबर क्या होगा I2 इंटू 2, I2 की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 2 और ये V1 इधर आके प्लस हो जाएगा। V1 की वैल्यू कितनी है, V1 इज 8 वोल्ट्स। सो ये 6 प्लस 8 ये 14 वोल्ट्स हो गया। ठीक है, जैसे ही V2 मिल गया आपको आप ये करंट I3 निकाल सकते हैं, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी V2 बाई 7, V2 है आपका 14 वोल्ट्स, सो ये I3 हो जाएगा 2 एम्पियर। सो I2 की वैल्यू आपके 3 एम्पियर्स और I3 की वैल्यू 2 एम्पियर्स। सो वी कैन राइट I4 इस नोड पे अगर आप KCL लगाएंगे तो I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I2 होगा। सो I2 प्लस I3 के बराबर आप I4 को लिख सकते हैं और I2 की वैल्यू हमारे पास है 3 एम्पियर और I3 की वैल्यू है आपकी 2 एम्पियर, सो इट विल बी 4 एम्पियर, सॉरी 5 एम्पियर। तो आप देखिए अगर करंट हमने I0 को 1 एम्पियर लिया तो I4 विच इज इक्वल टू आई एस जो कि आई एस के बराबर है, आई एस बराबर 5 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आई नॉट को अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे या 2 टाइम्स हो जाएगा जब आई एस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए आई एस हमारा 5 एम्पियर है और एक्चुअली में हमारा आई एस जो इनपुट है 15 एम्पियर है, तो इस आई एस से और इस आई एस में क्या फर्क है, इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप कह सकते हैं कि वेन आई एस इज इक्वल टू 15 एम्पियर, जब आपने आई एस मीन्स इनपुट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया
तो आई नॉट विच इज आउटपुट ये भी थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वन इंटू थ्री दैट विल बी इक्वल टू थ्री एम्पियर. सो आंसर इज थ्री एम्पियर. क्लियर. चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. यहां पर भी उसी तरह से वोल्टेज वी नॉट निकालना है. इस नोड का वोल्टेज निकालना है हमें वी नॉट, ठीक है, फॉर 15 वोल्ट इनपुट. तो पहले हमें वी नॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट कंसीडर करना है और फिर हमें यह देखना है कि इस वी नॉट के 1 वोल्ट कंसीडर करने पे इनपुट को कितना देना पड़ेगा हमें, ठीक है. तो जब हम इनपुट को 15 वोल्ट करेंगे तो वी नॉट कितना होगा हमें पता चल जाएगा, ठीक. तो चलिए इस सर्किट को गौर से देखिए. ये वाला नोड ग्राउंडेड है तो आप देखिए ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स, इसका एक नोड ग्राउंडेड है जो कि नेगेटिव साइड वाला है. तो पॉजिटिव साइड वाला जो नोड होगा जहां पे वो टर्मिनल कनेक्टेड होगा वहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट. सो ये पक्की बात है कि यहां का जो नोड वोल्टेज है वो 15 वोल्ट हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर दिस इज नोड नंबर 1 और इस नोड को नोड नंबर 2 मानेंगे, ठीक. इसको नोड नंबर 3 कंसीडर कर लीजिए. तो आप देखिए फॉर वी नॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट हम निकालेंगे वी 1 की वैल्यू कितनी है, विच इज द नोड वोल्टेज ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, जहां पे ये वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है जिस नोड से, उस नोड का वोल्टेज मींस ये सोर्स वोल्टेज हो गया, इनपुट वोल्टेज हो गया. सो इनपुट वोल्टेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 वोल्ट ऑफ वी नॉट जैसे ही हमें पता चल जाएगा, फिर हम फॉर 15 वोल्ट इनपुट वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट विच इज आउटपुट, ठीक है. तो चलिए प्रोसीजर वही रखेंगे, ये करंट निकालेंगे. से फॉर एग्जाम्पल ये करंट आपका आई 1 है, सारे करंट कंसिडर कर लीजिए. ये करंट आई 2 है, ये करंट आई 3 है, दिस इज आई 4 एंड लेट अस कंसिडर दिस करंट इज आई 5. तो सबसे पहले आप आई 1 और आई 2 निकाल लीजिए. और आप देखिए आई 1 जिस ब्रांच से जा रहा है उसमें 6 ओम का रजिस्टर है और आई 2 भी जिस ब्रांच से जा रहा है उसमें भी 6 ओम का रजिस्टर है. तो पक्की बात है आई 1 और आई 2 बराबर होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है अक्रॉस द वोल्टेज वी नॉट. तो आई 1 और आई 2 बराबर होगा तो वी कैन राइट आई 1 इज इक्वल टू आई 2 इज इक्वल टू वी नॉट बाई 6. तो वी नॉट की वैल्यू 1 है तो 1/6 हो जाएगा, ठीक. तो आई 1 और आई 2 दोनों बराबर हो गए 1/6 के. तो आई 3 क्या होगा, आई 3 केसीएल लगाएंगे इस नोड 3 पे. सो आई 3 बराबर होगा आई 1 प्लस आई 2. सो 1/6 प्लस 1/6 इट इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर्स. सो आई 3 आ गया आपका 1/3 एम्पियर्स, ठीक है. अब जब आई 3 आपके पास आ गया है तो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर निकाल सकते हैं आई 3 इंटू 3 जो कि वी 2 माइनस वी नॉट के बराबर होगा. सो आप लिख सकते हैं वी 2 माइनस वी नॉट बराबर आई 3 इंटू 3. तो यहां से वी 2 भी निकल जाएगा. वी 2 बराबर क्या होगा, 1/3 इंटू 3 प्लस वी नॉट. वी नॉट की वैल्यू कितनी लिया हमने, 1. सो ये 1 हो जाएगा, 3 3 का कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी 1 प्लस 1 दैट इज 2 2 वोल्ट्स, ठीक है. सो वी 2 जैसे ही 2 वोल्ट आ गया आप आई 4 निकाल सकते हैं. सो आई 4 इज इक्वल टू वी 2 बाई 6. वी 2 आपका 2 है, 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर, ओके. सो आई 4 की वैल्यू 1/3 आ गई. तो जब आई 4 और आई 3 आ गया सो यू कैन कैलकुलेट आई 5. सो आई 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई 3 प्लस आई 4. सो आई 3 1/3 है और आई 4 भी 1/3 है तो हो जाएगा 2/3 एम्पियर्स, ठीक है. सो जैसे आई 5 निकल गया है आप वी 1 का वोल्टेज निकाल सकते हैं. कैसे, सेम उसी तरह से वी 1 माइनस वी 2 को आप लिख सकते हैं आई 5 इंटू 2. सो फ्रॉम हेयर यू गेट वी 1 विच इज इक्वल टू आई 5 की वैल्यू है 2/3 इंटू 2 प्लस वी 2 की वैल्यू कितनी हमने लिया है, कितना आई ये वैल्यू 2. सो ये हो जाएगा 10/3 वोल्ट. तो ये बात समझ में आई, जब वोल्टेज वी नॉट 1 वोल्ट होगा तो उस वक्त जो इनपुट है वो 10/3 वोल्ट है. तो आप कह सकते हैं कि इनपुट को 15 बनाने के लिए इस वी 1 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अगर 15 बनाना है इसको, सो 10/3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 से. जैसे आप 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 वोल्ट हो गया, क्लियर. और हमें 15 वोल्ट इनपुट पे निकालना है वी नॉट की वैल्यू, ठीक है. तो इसको 15 वोल्ट बना दिया मैंने. तो इनपुट 10/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारा वी नॉट 1 है. तो इनपुट को अगर हम 4.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आउटपुट भी 4.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो देयरफॉर वी कैन राइट वी नॉट ऑल्सो इक्वल टू 1 इंटू 4.5 विच इज इक्वल टू
4.5 volts. ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि जब हमारा इनपुट 4.5 से मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट भी 4.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर सर्किट है. तो यूजिंग दी प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी जो कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, उसी प्रॉपर्टी को यूज करके आप आउटपुट निकालेंगे बाय अज्यूमिंग सर्टेन वैल्यूज ऑफ वी नॉट. कोई जरूरी नहीं है आप 1 volt अज्यूम करें, आप कोई और दूसरी वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हैं, बट इट इज इजियर टू अज्यूम 1 volt एंड सॉल्व द सर्किट. ठीक है, सो इस तरह के दो टाइप के प्रॉब्लम लीनियरिटी प्रॉपर्टी में जनरली पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स वगैरह में. तो दोनों तरह के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देख लिया कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए, और अगर हमारा ये काम आपको पसंद आता है तो हमें लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन YouTube.